गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आरुष का तबीयत बहुत खराब है। कल रात से वो नहीं सोया है या नहीं खाया है। वो बहुत रोता है। आज उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। उसको सर्दी और खांसी हो रही है। नाक से थोड़ा पानी भी निकल रही है, इसीलिए वो सांस नहीं ले सकता है। उसको प्रॉब्लम होता है, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर रोता है। रात भर आरुष नहीं सोया था, चिल्ला चिल्ला कर बहुत रोता है। वो बहुत छोटा है ना, कुछ बोल नहीं सकता है, इसीलिए बहुत रोता है। और मैं तो नहीं सोई थी रात भर। आरुष दो बजे थोड़ा सो गया था, लेकिन मैं बिल्कुल भी रात भर नहीं सोई थी। मेरी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। वो 5 बजे उठकर खेल रही है। आरुष की तबीयत इतना खराब, लेकिन उसको स्वेटर या ब्लैंकेट पहना होगी तो निकल देता है। आज हम हॉस्पिटल जाएंगे आरुष को लेकर। आरुष का तबीयत थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन रात को फिर से तबीयत खराब हो गया है, ज़्यादा खराब हो गया है। सुबह फिर से जाएंगे हॉस्पिटल आरुष को लेकर। आरुष इतना रोता है, उसको जो कोई भी देखेगा उसको भी आंसू आ जाएगी। वो इतना छोटा बच्चा है, कुछ बोल नहीं सकता है, सिर्फ रोता है। अभी रात 3 बजा है। कल रात भी मैं नहीं सोई थी, आज भी नहीं सोई हूँ। मेरी हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब लगता है, मुझे भी थोड़ा चक्कर आ रही है। आरुष सुबह से कुछ नहीं खाया है अभी तक। वो दूध पीने से डरता है, उसके सांस थोड़ा बंद हो जाता है, इसलिए। कल सुबह फिर से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आज फिर से हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर बोले कि उसको एडमिट करने के लिए, लेकिन हम लोग मना किए कि नहीं, हमारे घर तो पास में है, हम चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर से लाएंगे हॉस्पिटल। सिर्फ कोविड ही टेस्ट करके आ गए ये आरुष का। उसको इतना तकलीफ होता है, मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकती हूँ। आरुष को कितना दर्द होता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रोता है, नहीं तो वो कभी भी इतना नहीं रोता था। भगवान क्यों इतने छोटे बच्चे को इतना तकलीफ देते हैं। अभी मैं वीडियो को बंद करती हूँ। आरुष को भी मुझे संभालना है। मेरी वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।